फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आज जो ये गाड़ी हम रेडी कर रहे हैं ना, ये गाड़ी वैसे तो मैं आपको सच बताऊं ना, ये भैया हैंडीकैप है जिनकी ये बाइक है, बट ना बाइक को कर दिया गया टोटली फुली टूरिंग मोड लोडेड, क्योंकि भैया राइडिंग के शौकीन और रात के बज रहे हैं 12:30, समझ रहे हो ना। तो हम रात के कोई अगर हमें हमारे पास आता है रात में तो हम रात में भी मना नहीं करते। 12:30 बज रहे हैं और देख रहे हो अभी भी इसमें काम प्रोसेस पर है, जैसे कि आप देख सकते हो और टाइम देख लो आप, 12:30 बज रहे हैं रात के, ये रात के 12:30 बज रहे हैं। लुक चकड़ करो आप में कैसे आते हैं, यहाँ पर सारी मार्केट आपको बंद दिखाई देगी और हमारी एक गाड़ी जो जाने के रेडी है, जैसे ये तैयार होगी उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। एक गाड़ी हमारी वो गाड़ी, ये भी आप समझ सकते हो जब रेडी होने के बाद ही हम यहाँ से निकलेंगे। और ये हमारे वर्मा जी जिन्हें आप जानते हो, हमारे कमल भाई, ये भी कुछ मेहनत करते हुए कह रहे हैं कि मैं कुछ कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी निपटाने के लिए, तो ये कर रहे हैं इसके अंदर। और बता दो इसके अंदर काम क्या क्या किया गया। देखो सबसे पहले इसके अंदर दिखाएंगे वो वाइजर जो कि लगा दिया गया है, बाकी शॉक ऑपरेशन फंक्शन में भी लग रहा है, देख सकते हैं वो भी लगना बाकी है। साथ में हैंड गार्ड लगा देंगे बर्ग बास्टर के, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर चुके हैं हम, जो कि मिलते हैं आपको बर्ग बास्टर के, जिससे आपका लीवर और हैंड दोनों होते हैं पूरी तरह प्रोडक्ट, आपको पता ही है इसके बारे में। साथ में वाइजर मैंने दिखा दिया, लुक चेकआउट कर लो वाइजर लगने में कैसी आती है इसकी, लॉन्ग वाले लगा देगा विंड कंट्रोल के लिए, साथ में सर विंगलेट भी लगा देगी जो कि लुक को करते काफ़ी है इनहेंस। और उसके बाद आपको देखने मिलेगा क्रैश गार्ड, बेसिकली इस क्रैश गार्ड में भैया अभी थोड़ी देर में दिन में 1 बजे को आए थे इसी मार्केट के अंदर, तो भैया को क्या था क्रैश गार्ड मना कर दिया गया कि क्रैश गार्ड फिट नहीं होगा इसके अंदर, बट हमने इसके अंदर प्रॉपर क्रैश गार्ड इसका फिट कर दिया है, राइडर का प्रॉपर फिटिंग वाला ये इसका इंस्टॉल कर दिया गया इसके अंदर। लुक चेकआउट कर लो कैसे, क्योंकि भैया ना ये गियर का सिस्टम भैया का तो आपको पता ही है कि दिक्कत होती है इसके अंदर लगाने पर, हमने क्या है फिट कर दिया इसके अंदर। इधर भी सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ, लुक चेकआउट कर लो, ये देखिए इधर भी आपका फिट हो गया, उधर भी दोनों तरफ फिट हो चुका है क्रैश गार्ड आपका। और क्रैश गार्ड फिट होने के बाद लुक तो इनहेंस होगी, बाकी फुल होगी बाइक आपकी सेफ। साथ में मोबाइल होल्डर भी इसके अंदर लग चुका है जो कि शायद कमी विजिबल हो, देख सकते हैं वैसे ये मोबाइल होल्डर रात का समय है इसलिए। और साथ में जो फॉग लैंप लगा दी गई जो कि मिलती है आपको, टू फीचर है, देखिए रोशनी दिखाई दो आपको इस तरह की, देखिए ये आपकी हो गई वाइट, ये आपकी हो गई येलो, वाइट येलो ये आपकी होती है इसकी रोशनी जो कि इसके अंदर लगा दी गई फॉग लैंप, जो कि आपको पता है HJG ओरिजिनल, देख सकते हो आप HJG ओरिजिनल टू फीचर आई है, ये अपनी टू फीचर है जो इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है, जिससे नाइट में भैया जाएंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसके अंदर। और ये देखिए ये सेटअप भैया ने जो है वो करा रखा है, आज ही कराया भैया ने, अब ये तो भैया बताएं कहाँ से वो पूछ लेंगे उनसे, कोई दिक्कत नहीं एंड में, ये भैया ने कराया है आज, क्योंकि भैया को ऑब्वियस ही बात है हैंडीकैप है तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इसमें 4 टायर इसके अंदर लगा देंगे। साथ में बैक साइड में फॉग लैंप, ये पता क्या फॉग लैंप ज़रूर है बट इसका जो मेन मोटिव है बताता हूँ क्या है, ये देखिए दोनों तरफ मिलेंगे आपको फॉग लैंप्स, और इसका मेन मोटिव समझाता हूँ क्या होता है, देखिए चाबी ऑन हो गई, ये देख लो आप पीछे, इसका सबसे ज़्यादा नीड है वो डेविल है, ये डेविल इसलिए भैया को नीड थी इसकी, क्योंकि जब भैया राइड करेंगे ना तो क्या होता है पीछे से बाइक हो गई बहुत बड़ी बोले तो कार वाला कोई भी साइड ना मारे, तो उस केस में भैया ने लाइट लगवाई है इसके अंदर, हमने कोई और इसके अंदर फीचर चालू नहीं किया है, सिर्फ ओनली फॉर डेविल का चालू किया है, जिससे कि कोई पीछे वाला जो भी राइडर राइड करता है ना वो पूरे तरीके से देख के चले कि साइड में कोई गाड़ी या कोई बड़ी गाड़ी निकल रही है, तो उस केस में हमने ये लगा दिया इसके अंदर। और साथ में उसमें देखने लगा वो शटल स्टे, ये भी इसके अंदर लगा दिया, इसे बैग वगैरह भी लगाना भैया को तो वो भी इसका इजीली इसमें फिट हो सकता है। इधर भी मिलेगा आपको सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ, लुक चेकआउट कर लो, इधर भी फिट हो गया आपको। और साथ में टॉप रैक लगा दिया है, ये देखिए टॉप रैक फिटमेंट कर दी गई प्रॉपर वाली, टॉप रैक फिट करने के बाद ना इसमें लगाया इसका 36 लीटर का आपका टॉप बैग, जो कि आपको पता है जब भैया राइडिंग करेंगे तो हेलमेट वगैरह कुछ भी सामान इसके अंदर इजीली रख जाएगा इसके अंदर, जो कि आप लुक चेक कर लो इसकी लगने किस तरीके से हो रही है। रात को 12:30 वीडियो बन रही है और फिर भी देखो हाँ सिर्फ हमारी शॉप ओपन है, बाकी पूरी मार्केट बंद है। आपका अपना राजू भाई ये हमेशा अवेलेबल है आपके लिए, ध्यान रखना। तो जब भी आप रात हो ना और लेट नाइट में आना चाहते हो तो एक बार पहले कॉल करें, इससे कि हम आपको आपके लिए अवेलेबल रहे यहाँ पर। और एक चीज़ और दिखाऊंगा इसके बाद, ये देख रहे हो आप, ये है इसका एग्जॉस्ट, और ये देखिए फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, जो कि आप लुक चेक कर लो, फुल सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है, जो कि मिलता है आपको R9 का, और ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर, इसकी आपको सुनाऊंगा साउंड एंड में, पहले मैं आपको चेक करा दूं इसके अंदर बाकी जो दो चीज़ें हैं वो क्या है। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे दिलशाद भाई लगे हुए रात में मेहनत करते हुए अपने शर्ट वर्ट उतार कर, ऐसे हम नहीं जाने जाते, हम लोग हार्ड वर्क के लिए जाने जाते हैं, राजू भाई और राजू भाई की पूरी टीम, हमारा जो टीम वर्क है ना वो ऐसा है कि हमें पता है कि हमने मेहनत करके आगे निकलना है, हमें किसी के पैर पे, किसी के सर पे, किसी कंधे के ऊपर हम पैर के नहीं चलते, अपनी मेहनत के दम पे चलना चाहते हैं। तो 25 ईयर से तुम्हारा भाई काम कर रहा है और टीम वर्क जो है वो हमेशा ज़रूरी होता है, जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ,
कि टीम वर्क के बिना ना कोई भी काम अधूरा है। हमने जिस नाम को ब्रांड बनाया और एक हमने समझ लो एक जो ब्रांड था हमारा जो हमने बनाया था वो एक फर्जी की वजह से हमें चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि उस फर्जी ने क्या करा है, काम को कर दिया है बेकार, मार्केट में बदनाम कर दिया है कि भैया SKD चोर बन चुका है इस टाइम। तो SKD चोर जो है वो आपको पता है हु इज अ थीफ, क्योंकि हमारा जो काम प्रॉपर वाला काम करते हैं। बट क्या होता है, अब समझ रहा ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मार्केट के अंदर फेमस हमने करा बट उसके एडवांटेज वो ले जरूर रहा है, एडवांटेज नहीं वो डिसएडवांटेज हमारे लिए, क्योंकि काम खराब कर रहा है सामने वाला बंदा और नाम खराब हो रहा है साथ में हमारा भी, क्योंकि कोई गूगल रिव्यू डालता है उस पर और उसके साथ वो सोचता है कि ये सारी शॉप एक ही है तो वो हमारे पर रिव्यू डाल दे। तो इसलिए मैंने अपने जो शॉप का नेम है वो मैंने देखो क्या करा है, ये देखिए ऊपर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए नीचे आपको बोर्ड दिख रहा होगा SKD का जरूर, बट ये भी जल्दी ख़त्म कर दूंगा इसको मैं। ऊपर देखिए राजू भाई, ये देख रहे हो आप राजू भाई बाइक मॉडिफिकेशन, जो कि अपने और साथ में GST नंबर सब कुछ लगा हुआ है इसके अंदर, तो आप समझ सकते हो कि ये अपनी जर्मन शॉप है जो कि पिछले 3 साल से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, 3-3.5 साल से, और अब हमने जो है समझ रहे हो ना कि राजू भाई की जो मेहनत है वो रंग ला रही है, जिस कारण से रात में भी यहाँ पर काम चल रहा है और अभी देख रहे हो पूरा प्रोसेसिंग पर अभी वर्क करते हैं इसको कंप्लीट। फिर मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको एंड में इसकी साउंड के इसकी एग्जॉस्ट की साउंड किस तरीके की आने वाली है। अब हो चुकी है पूरी तरह कंप्लीट गाड़ी, जैसे कि देख सकते हैं आप इसके अंदर ना जो मैं दिखा रहा था शॉक प्रोटेक्शन जो चल रहा था काम वो इसमें लग चुका है। शॉक प्रोटेक्शन लगने से पता है बेनिफिट क्या होता है, एक तो आपका मडगार्ड सेव हो जाता है, दूसरा ना शॉकर भी होता है पूरी तरह से सेफ, और लुक भी काफ़ी एनहेंस हो जाता है लगने के बाद। और इधर देख सकते हैं ये है आपका फॉक्स राइडर, फॉक्स राइडर लगने से क्या होता है डिस्प्ले वगैरह होती है पूरी तरह से सब नीचे का शॉकर, ये भी सेफ हो जाता है। सेम इधर सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ, लुक चेक कर लो, रात हो रही है आपको पता है एक बजने का टाइम हो रहा है क्योंकि काम होते तो और लेट हो गए थोड़े से, ऑलमोस्ट 1 बज रहा है अभी, तो ये देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। और अब इसके बाद जो मैं सुनाने वाला हूँ आपको एग्जॉस्ट की साउंड वो भी सुन लो कि जो आर्न इसमें लगा उसकी साउंड किस तरीके इसके अंदर आने वाली है। कर दिया चाबी ऑन, करते हैं स्टार्ट, ही ये सुन लिया आपने इसके साउंड। और अब मैं मिलवाता हूँ आपको भैया से, जिन भैया की बाइक उनको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स ये भैया हैं जिनकी ये बाइक है, आप देख सकते हो भैया हैंडीकैप है जो कि ये लेकर आए हैं, ये सब कुछ देख सकते हैं और ना। तो भैया आप कुछ कहना चाहेंगे बताइए आप। भैया ने मेरी बाइक में अच्छा काम करके दिया है और मैंने उनकी वीडियो यूट्यूब पर देखी है, काफ़ी अच्छा काम करते हैं और भैया ने काफ़ी रात तक मेरी गाड़ी को प्रिपेयर किया है अच्छे से, भैया इसके लिए भैया जी का थैंक यू, धन्यवाद। और कोई आना चाहे तो क्या टाइम बता दो, रात के 1 बज रहे हैं 12:58 पूरा 1 बज चुका है और भैया ने लास्ट टाइम तक मेरी गाड़ी को प्रिपेयर दिया कि कल मुझे राइड पे जाना है, इसके लिए भैया थैंक यू। अंधेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि गाड़ी के अंदर भैया बैठा रखे हमने, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाहर भैया परेशान हो, शॉप बढ़ा चुके हैं ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत रह गया, तो इसलिए हमने सोचा गया क्यों ना गाड़ी में बैठा के भैया से बात कर ली जाए कि काम कैसा लगा कैसे लगा। और इसके बाद अब सीधा हम आप वीडियो हमने देख लिया, रिव्यू देख लिया, अभी और कोई आना चाहिए क्या रिकमेंड करेंगे आपके लिए। मैं उनको यही बोलूँगा कि सबसे अच्छा बेस्ट काम करके देते हैं भैया, और आपको कहीं कुछ डिमांड हो आपकी उसको पूरा करके देते हैं, ऑल ओवर सेटिस्फाइड हो। हाँ, ऑलवेज सेटिस्फाइड। तो देखिए आपने ये सब देख लिया कि कैसा भैया काम लगा और कैसा नहीं लगा, आप भी कराना चाहते ऐसा कोई भी काम तो आप आ सकते हो आपकी अपनी शॉप राजू भाई की शॉप पर, जो कि मिलती है आपको दिल्ली के करोलबाग नायवलन के अंदर। मेरी 2 शॉप मिलेंगी आपको, एक मिलेगी आर्य समाज रोड पर और दूसरी मिलेगी आपको आर्य समाज रोड पर ही, दूसरी दोनों का समझा दो कैसा होता है। जब भी आप आते हो ना मार्केट के अंदर, मार्केट और करोलबाग में आते हो तो क्या होता है झंडे वाला मेट्रो स्टेशन के अपोजिट आपको मिलेगी विशाल मूर्ति हनुमान जी की, जो कि आपको पता ही है कि फेमस है, जब भी आप सर्च मारो हनुमान जी की बिग मूर्ति तो यहीं की आती है, वहाँ पर आपको डालना है लोकेशन और उसके बाद वहाँ से 100 मीटर की रेंज है, क्योंकि मेरी शॉप से हनुमान जी की मूर्ति दिखते हो तो समझ सकते हो कि ज़्यादा दूर है नहीं। और जब भी आप आने का सोच रहे हैं वहाँ आने के बाद आपको अंदर आना मार्केट के लिए, जो कि मिलेगा आपको
आर्य समाज रोड, उस आर्य समाज रोड का सबसे बड़ा महत्व बता दूँ, जो हमारा रोड है ना, आप अगर गफ्फार के लिए आते हो तो भी आपको इस रोड पर आना है, बिडनपुरा के लिए तो भी यही रोड आएगा आपका, कार मार्केट तो भी यही रोड आर्य समाज रोड, और अगर बाइक मार्केट तो भी आपका यही रोड आएगा आर्य समाज रोड। तो आर्य समाज रोड याद रखोगे, पहले चौक पर ये शॉप मिलेगी, दूसरे चौक पर मिलेगी दूसरी शॉप, तो दोनों शॉप अपनी जब भी आना चाहो आ सकते हो दोनों में से किसी पर भी। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, बाकी अगर कोई मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7827217714, ये मेरा पर्सनल नंबर है, जो कि आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, जो भी क्वारीज हो बता सकते हो, पूछ सकते हो, मंगा सकते हो। तो वीडियो चलिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, राजभाई इसकड़ी को जो कि मिलता है आपको यूट्यूब पर, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय मत दिन, गुड बाई।